इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति इस बात को व्यक्त कर रही है कि चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो, पूज्य मामा जी सबके हृदय सिंहासन पर विराजमान। इसलिए चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो, और अभी तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष देखेंगे, ठाकुर जी के विवाह की लग्न जब आएगी तो यहां तिल धरने की जगह नहीं बचेगी। ये उन संतों के महापुरुषों के सत्संकल्प का प्रभाव है। यहां श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज यहां उत्सव में पधारे। श्रद्धेय स्वामी श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज यहां पधारे। श्री डोंगरे जी महाराज भी यहां पधारे। और इस समय के बड़े वक्ताओं में पूज्य श्री मुरारी बापू जी एवं पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी भी पधारे। और उसी श्रृंखला में इस बार पूज्य श्री ठाकुर जी ने हम सबको कृतार्थ किया। कल हम आ गए थे तो भय प्रकट कृपाला सुनाई पड़ रहा है जब गाड़ी से उतर रहे थे, तो हमने कहा भी कथा बोले भी कथा तो पूर्ण हो गई, भय प्रकट कृपाला हो गया, राम जी का अवतरण हो गया। तो फिर अभी गाड़ी से उतरे ही थे, कक्ष तक नहीं गए थे, तो वहां दमोह वाले परम भक्त प्रवर श्री दाऊ जी विराजमान हैं, दादाजी, उनकी कृपा हो गई तो थोड़ी देर नाम संकीर्तन की हाजिरी हो गई। नाम संकीर्तन में ही ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बार तो मन किया कि जहाँ ठाकुर जी विराजे हैं वहाँ जाकर दर्शन करें, फिर मन में थोड़ा इस बात का संकोच हुआ कि 4-4.5 घंटा बोल कर उठे हैं और हम आए धमके वहाँ विश्राम में बाधा दें।